जन्म 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश, मृत्यु 24 जनवरी 2011। रचनाएं: अभिलाषा, चलो चले, दाल दाल के पंछी, मौ यह कौन, फूल और कांटा आदि। परिचय: आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। अरे, लोहे से कैसे पेट भरता है। मैं अगर न रह तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, मैं लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है। अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा, महाराजा, धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संसार का हर एक व्यक्ति अहंकार और घमंड छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहे तो संसार की उन्नति होगी, हर व्यक्ति सुखी रहेगा। जियो और जीने दो। आपको ये कहानी कैसी लगी लिखकर जरूर बताइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। धन्यवाद।